हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइट एकेडमी। मैं परमजीत कौर तुहानू पंजाबी ईटीटी कैडर टीच कर रही हाँ। अज असी एमसीक्यू दा लैक्चर लगा जा रहे हाँ। दूसरा लैक्चर लगाने तो पहला एक छोटी जी इनफोरमेशन, साडा फ्री वट्सअप ग्रुप ज्वाइन करन लई तुसी अपना नाम, अपना कोर्स का नाम, मेल जां फीमेल लिख के सानू इस नंबर ते वट्सअप मैसेज करो ताकि तुहानू वट्सअप ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। तो इसे वट्सअप ग्रुप में ही तुहानू सारियां वीडियोज़ के लिंक अते फ्री PDF शेयर कीतियां जाणगियां। हाँ जी, शुरू करते हैं जी अज का लैक्चर। प्रश्न नंबर एक, बिन फशां दा फुल कविता है। ऑप्शन ए प्रोफेसर पूरन सिंह, ऑप्शन बी भाई वीर सिंह, ऑप्शन सी धनी राम चात्रिक, ऑप्शन डी विधाता सिंह धीर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी चांदनी, हाँ जी नवदीप, हाँ जी रीना, बिल्कुल राइट आंसर है जी। अमनदीप कंबोज, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी रबनूर, बिल्कुल राइट आंसर। हाँ जी, बिन फशां दा फुल जेड़ी कविता है, ऑप्शन बी भाई वीर सिंह दी कविता है जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर दो, अनहोया दा कहानीकार है। हाँ जी, ऑप्शन ए सुजान सिंह, ऑप्शन बी मोहन भंडारी, ऑप्शन सी संतोख सिंह धीर, ऑप्शन डी नौरंग सिंह। हाँ जी चांदनी, बिल्कुल रोंग आंसर है जी। हाँ जी रबनूर, बिल्कुल राइट आंसर। हाँ जी अमनदीप, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी अमनदीप कंबोज, बिल्कुल राइट आंसर। हाँ जी रीना रानी, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी अनहोया दा, हाँ जी चांदनी, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी अनहोया दा कहानीकार, ऑप्शन सी संतोख सिंह धीर। हाँ जी सुखवीर, बिल्कुल राइट आंसर है जी। प्रश्न नंबर तीन, धरती हेठला बॉल कहानी विच किस लड़ाई का वर्णन है। ऑप्शन ए कारगिल दी, ऑप्शन बी 1972 दी, ऑप्शन सी वर्मा दी, ऑप्शन डी कोई नहीं। हाँ जी, धरती हेठला बॉल जिहड़ी कहानी है उहदे विच किस लड़ाई का वर्णन किया गया है। हाँ जी चांदनी, बिल्कुल राइट आंसर है जी। सुखबीर, बिल्कुल राइट। हाँ जी रीना रानी, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो जी। हाँ जी नवदीप, ममता, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी ऑप्शन सी वर्मा की लड़ाई का वर्णन किया गया जी। हाँ जी हुण सारे ने दसना है जी, जिहड़ी धरती हेठला बल्द कहानी है ये किसकी है, केड़े लेखक की कहानी है धरती हेठला बल्द। हाँ जी सरबजीत, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी ममता, बिल्कुल राइट आंसर। हाँ जी रबनूर, बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी धरती हेठला बल्द कहानी, बिल्कुल राइट आंसर है जी। कुलवंत सिंह विरक की कहानी है जी। यह कुलवंत सिंह विरक जिसके पात्र ने जी मान सिंह ते करम सिंह, केड़े पात्र ने मान सिंह अते करम सिंह। हाँ जी प्रश्न नंबर चार, गली विच निबंध रचना है। ऑप्शन ए शरदा राम फिलौरी, ऑप्शन बी लाल सिंह कमलाकाली, ऑप्शन सी बिहारी लालपुरी, ऑप्शन डी सूबा सिंह। हाँ जी सरबजीत, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी रबनूर, बिल्कुल राइट। रीना रानी, बिल्कुल राइट। अमनदीप, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो जी। हाँ जी ममता, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी गली विच निबंध, ऑप्शन ए पंडित शरदा राम फिलौरी की रचना है जी।
प्रश्न नंबर 5 चिट्टा लहू नावल है। ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी नानक सिंह, ऑप्शन सी निरंजन तस्नीम, ऑप्शन डी गुरदयाल सिंह। हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट, ममता अमनदीप बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी रबनूर, हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी 1932 विच लिखा गया जी ये। हाँ जी रीना रानी बिल्कुल राइट आंसर है जी, चिट्टा लहू ऑप्शन बी नानक सिंह का नावल है जी। प्रश्न नंबर 6 फालतू औरत का बिंब किसने वरत्या। ऑप्शन ए डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा, ऑप्शन बी अजीत कौर, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी प्रभजोत कौर। हाँ जी ममता बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी रबनूर बिल्कुल राइट। हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी फालतू औरत का बिंब है जेड़ा अजीत कौर ने वरत्या जी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 पग्याड़ी किस अंग का गहना है। ऑप्शन ए कन्न का, ऑप्शन बी सिर का, ऑप्शन सी गर्दन का, ऑप्शन डी नक का। हाँ जी बिल्कुल राइट है जी अमनदीप रबनूर। हाँ जी सरबजीत, हाँ जी बग्याड़ी सिर का गहना है जी। हाँ जी जेड़ा हुन लास्ट ईयर ETT कैडर का पेपर होया सी उहदे विच इह प्रश्न पूछा गया सी बग्याड़ी किहड़े अंग का गहना है। हाँ जी ममता बिल्कुल राइट आंसर है जी। प्रश्न नंबर 8 शब्दां दे आरंभ विच किहड़ा व्यंजन नहीं आउंदा। हाँ जी ऑप्शन ए जज्जा, ऑप्शन बी लल्ले पैर बिंदी, ऑप्शन सी झज्जा, ऑप्शन डी यैया। हाँ जी अमनदीप बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी ममता बिल्कुल राइट। हाँ जी शब्दां दे आरंभ विच लल्ला पैर बिंदी है जेड़ा लल्ले पैर बिंदी इह अक्खर नहीं आउंदा। हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट है जी। प्रश्न नंबर 9 माड़ा बंदा विधा है। ऑप्शन ए नावल, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी एकांगी। माड़ा बंदा विधा है। हाँ जी रीना रानी बिल्कुल राइट आंसर है जी। सरबजीत बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी रबनूर बिल्कुल राइट आंसर, अमनदीप बिल्कुल राइट, ममता बिल्कुल राइट जी। माड़ा बंदा ऑप्शन बी कहानी है। हाँ जी हुण इह भी दस दो जी जिहड़ी माड़ा बंदा कहानी है उह किस दी है। माड़ा बंदा कहानी किस दी है। हाँ जी प्रिया कंबोज बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट आंसर है जी, प्रेम प्रकाश की कहानी है जी माड़ा बंदा, प्रेम प्रकाश। प्रश्न नंबर 10 रसीदी टिकट रचना है। ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी अजीत कौर, ऑप्शन सी तेजा सिंह, ऑप्शन डी कोई नहीं। हाँ जी सरबजीत ममा ममता रबनूर रीना अमनदीप नीलम। हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट आंसर है जी, अमृता प्रीतम दी रचना है जी ये, स्वै जीवनी है जी ये अमृता प्रीतम दी स्वै जीवनी। प्रश्न नंबर 11 रही वास्ते घत समय ने एक ना मन्नी 17 हन। ऑप्शन ए भाई वीर सिंह, ऑप्शन बी धनी राम चात्रिक, ऑप्शन सी प्रोफेसर पूरन सिंह, ऑप्शन डी कोई नहीं।
हाँ जी रबनूर, अमन दी, ममता बिल्कुल राइट है जी, नीलम बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी, हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट है जी, अमन दी। हाँ जी सरबजीत कहती है जी, यह इस कविता का नाम है जी समा। ऑप्शन ए भाई वीर सिंह, भाई वीर सिंह दिया 17 ने जी, ते भाई वीर सिंह की यह कविता है जी समा। हाँ जी बिल्कुल ममता, रीना बिल्कुल राइट है जी। प्रश्न नंबर 12, धनी राम चात्रिक की कविता है। ऑप्शन ए वेंदा जाए, ऑप्शन बी विसाखी का मेला, ऑप्शन सी जीवन जोत, ऑप्शन डी उपरोक्त सारे। हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट, रीना रानी, रबनूर बिल्कुल राइट है जी, नीलम रानी। हाँ जी ऑप्शन डी उपरोक्त सारे, सारिया कविताएं धनी राम चात्रिक दियां हन। जेडी विसाखी का मेला कविता है जी, यह मान सिंह हकीर दी भी है जी, मान सिंह हकीर। हाँ जी ऑप्शन 13, प्रश्न नंबर 13, सुघोष अल्पप्राण व्यंजन हन। हाँ जी ऑप्शन ए तत्ता, थत्था, डड्डा, गग्गा, ऑप्शन बी फफ्फा, थत्था, ठठा, खखा, ऑप्शन सी चच्चा, छच्छा, जज्जा, गग्गा, ऑप्शन डी बब्बा, दद्दा, डड्डा, जज्जा। हाँ जी फटाफट एवं लिख लिया करो जी, ठीक है। हाँ जी अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण, आ दोनों लाइना केड़िया ने, अघोष, यह दोनों लाइना सघोष। हुण तुसी केड़े लभने है जी, सघोष भी होण जी ते अल्पप्राण भी होण। चच्चा, छच्छा, जज्जा, टैंका, ठठा, डड्डा, तत्ता, थत्था, गद्दा, पप्पा, फप्पा, बब्बा। हाँ जी बब्बा, दद्दा, डड्डा, जज्जा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है जी, बब्बा, दद्दा, डड्डा, जज्जा जड़े ने ओह सघोष भी ने ते अल्पप्राण भी ने। हाँ जी प्रश्न नंबर 14, औंकड़ ते होड़ा किस स्वर नाल लगते हैं। ऑप्शन ए ईड़ी, ऑप्शन बी ऐड़ा, ऑप्शन सी ऊड़ा, ऑप्शन डी तिन्ना विचों कोई नहीं। हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट आंसर है जी, रबनूर, नीलम, रीना रानी, सरबजीत। हाँ जी ममता बिल्कुल राइट है जी, ऑप्शन सी ऊड़ा, ऊड़े दे नाल औंकड़ भी लगता है जी ते ऊड़े दे नाल होड़ा भी लगता है। हाँ जी प्रश्न नंबर 15, सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफ्फे पैर बिंदी, धुनिया प्रभाव किस प्रभाव दियां सूचक हन। धुनिया किस प्रभाव दियां सूचक हन। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी कोई नहीं। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन सी फारसी प्रभाव दियां धुनिया हन। प्रश्न नंबर 16, किस स्वर का मुक्ते रूप विच प्रयोग हुंदा है। ऑप्शन ए ऊड़ा, ऑप्शन बी ऐड़ा, ऑप्शन सी ईड़ी, ऑप्शन डी कोई नहीं। हाँ जी रीना रानी, ममता, रबनूर बिल्कुल राइट है जी, सरबजीत बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी नीलम बिल्कुल राइट, अमनदीप बिल्कुल। हाँ जी ऑप्शन बी ऐड़ा, यह जिहड़ा स्वर है जी साडा मुक्ते रूप विच आउंदा है जी। प्रश्न नंबर 17, गुरमुखी का केड़ा अक्षर अर्ध स्वर है।
ऑप्शन ए यैया, ऑप्शन बी लल्ला, ऑप्शन सी रारा, ऑप्शन डी ऐडा। हाँ जी ममता, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी सरबजीत, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी रीना, बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी नीलम, अमनदीप, बिल्कुल अबनूर, बिल्कुल राइट आंसर है जी। यैया साडा अर्ध स्वर है जी, साढ़े दो अर्ध स्वर ने जी, यैया अते वावा। हाँ जी प्रश्न नंबर 18, पंजाबी भाषा की शब्दावली दे वर्ग हैं। हाँ जी ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 5। हाँ जी रीना, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी रबनूर, बिल्कुल राइट है जी। सरबजीत, बिल्कुल राइट। नीलम, ममता, हाँ जी साड़ी पंजाबी भाषा की जी शब्दावली है जी, और 8 वर्ग हैं जी। प्रश्न नंबर 19, ओह साडा घर है वाक विच ओह दा कार्ज है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक पड़नाम वाला, ऑप्शन बी निश्चयवाचक विशेषण वाला, ऑप्शन सी तीसरा पुरख पड़नाम वाला, ऑप्शन डी उपरोक्त विच कोई नहीं। हाँ जी ममता, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी सरबजीत, हाँ जी अमनदीप, रबनूर, नीलम, बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी ऑप्शन ए निश्चयवाचक पड़नाम है जी, यह निश्चयवाचक पड़नाम ओहो। प्रश्न नंबर 20, पंजाबी साहित्य का मुढ़ कदों बजा। ऑप्शन ए 11वीं 12वीं सदी तो, ऑप्शन बी 14वीं 15वीं सदी तो, ऑप्शन सी 10वीं 11वीं सदी तो, ऑप्शन डी 8वीं 9वीं सदी तो। हाँ जी ममता, सरबजीत, बिल्कुल राइट है जी। रीना रानी, बिल्कुल राइट आंसर। रबनूर, बिल्कुल राइट है जी। नीलम, हाँ जी पंजाबी साहित्य का मुढ़ 8वीं 9वीं सदी तो बजा है जी। अमन, प्रश्न नंबर 21, गुरु ग्रंथ साहिब दा 400 साल संपादन वरा केड़ा है। ऑप्शन ए 1604, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 1999। हाँ जी ममता, रबनूर, बिल्कुल राइट है जी। सरबजीत, नीलम, रीना रानी, ऑप्शन सी 2004। प्रश्न नंबर 22, अकाल तख्त साहिब की सिरजना किस गुरु व्यक्ति ने की। ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अर्जन देव, ऑप्शन सी गुरु हरगोबिंद, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। हाँ जी अमनदीप कंबोज, हाँ जी सरबजीत, ममता, रबनूर, नीलम, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी। ऑप्शन सी गुरु हरगोबिंद जी ने की थी जी 1609 ईस्वी विच। प्रश्न नंबर 23, केड़ा जुट सही है। ऑप्शन ए मछली हथां दा गहना, ऑप्शन बी आरसी नक दा गहना, ऑप्शन सी तोड़े पैरां दा गहना, ऑप्शन डी नत्तियां गल दा गहना। हाँ जी सरबजीत, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी नीलम, बिल्कुल राइट है जी। जेड़ा तोड़े है जी, ये पैरां दा गहना है जी। मछली नक दा गहना है, आरसी हत्थां दे अंगूठे दा गहना है, नत्तियां कन्ना दा गहना है। प्रश्न नंबर 24, तेरा बंदी दी रसम कौन निभाउंदा है। ऑप्शन ए नाइन, ऑप्शन बी भाभी, ऑप्शन सी भैन, ऑप्शन डी मां। हाँ जी प्रभजोत कौर,
हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी, ममता रबनूर अमनदीप बिल्कुल राइट है जी। सेहरा बनने की जी रस्म की जाती है भैन वालों की जाती है जी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी प्रश्न नंबर 25, भुग्गा की है? ऑप्शन ए मेला, ऑप्शन बी लोक पकवान, ऑप्शन सी लोक नाटक, ऑप्शन डी खेड। हाँ जी प्रभजोत कौर बिल्कुल राइट, नीलम रबनूर रीना बिल्कुल राइट आंसर है जी। भुग्गा एक लोक पकवान है जी जो लोहड़ी के त्यौहार से बनाया जाता है तिल ते गुड़ तो, तिल अते गुड़ नू मिक्स करके जेड़ा बनाया जाता है जी उन्हें भुग्गा कहते हैं जी। प्रश्न नंबर 26, सालू की है? ऑप्शन ए मर्दां दा सिर दा कपड़ा, ऑप्शन बी औरतां दा सिर दा कपड़ा, ऑप्शन सी लाड़ी दा सिर दा कपड़ा, ऑप्शन डी लाड़े दा सिर दा कपड़ा। हाँ जी ममता बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी सालू ऑप्शन सी लाड़ी दे सिर दा कपड़ा है जी। प्रश्न नंबर 27, बच्चे नू नज़र तो बचाने लई की कीता जांदा है? ऑप्शन ए दूध पियाया जांदा है, ऑप्शन बी मिर्चां वारियां जांदियां हन, ऑप्शन सी गुड़ खवाया जांदा है, ऑप्शन डी तेल वार के दान कीता जांदा है। हाँ जी प्रभजोत बिल्कुल राइट, रीना रानी बिल्कुल राइट, रबनूर बिल्कुल राइट आंसर है जी। बच्चे नू नज़र तो बचाने लई ऑप्शन बी मिर्चां वारियां जांदियां हन। प्रश्न नंबर 28, भाषा दात है? ऑप्शन ए समाज दी, ऑप्शन बी कुदरत दी, ऑप्शन सी मनुख दी, ऑप्शन डी इतिहास दी। हाँ जी ममता बिल्कुल राइट, अमनदीप बिल्कुल राइट आंसर है जी, प्रभजोत कौर सरबजीत अमनदीप कंबोज बिल्कुल राइट है जी, भाषा समाज की दात है जी यह। प्रश्न नंबर 29, केड़ा पंजाबी लोक नाच नहीं है? ऑप्शन ए गिद्दा, ऑप्शन बी भंगड़ा, ऑप्शन सी सम्मी, ऑप्शन डी ऑनसी। हाँ जी रीना बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी प्रभजोत कौर बिल्कुल राइट आंसर जी, ममता रबनूर बिल्कुल राइट है जी, ऑनसी है जेड़ा यह साडा लोक नाच नहीं है, यह साडा लोक विश्वास है जी, लोक विश्वास। प्रश्न नंबर 30, हैदर शेख का मेला पंजाब विच किथे लगता है? ऑप्शन ए कपूरथला, ऑप्शन बी मलेरकोटला, ऑप्शन सी नाभा, ऑप्शन डी जगराऊं। हाँ जी अमनदीप बिल्कुल राइट आंसर है जी, रीना रानी नीलम सरबजीत बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी हैदर शेख का मेला ऑप्शन बी मलेरकोटला विच लगता है जी। हाँ जी उम्मीद है जी तुहानू वीडियो बहुत वधिया लगी होएगी। हाँ जी साड़ी वीडियो नू वद तो वद लाइक शेयर अते सबसक्राइब करो ताकि तुहानू आउण वालियां वीडियोज़ दे जिहड़े लिंक ने ओह मिल सकन। धन्यवाद।